क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। फाइंड द डोमेन फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस फॉर विच द फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1। एफ एक्स इज इक्वल टू सर टू आप एक्स एक्सरसाइज 2.3 करवा दी थी। एक्सरसाइज 2.3 शायद, हाँ करवा दी थी, नहीं पूरी नहीं करवाई अभी, पूरी नहीं करवाई है। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, वो नोट करें। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 - 3x आर इक्वल। अब देखिएगा, आप लोग एक चीज जान चुके हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी दो सेट लिए, तो वो जो दो सेट होते हैं उनको हमने कह दिया कि एक सेट तो ये है ए, एक सेट ये है बी। तो अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है ना कि ए टू बी, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है ए टू बी, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है तो उसमें हम ये कहते हैं कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कैपिटल ए है हमारा सेट, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी एक एलिमेंट से रिलेट करेंगे, एक से ज़्यादा से नहीं, किसी ना किसी सिर्फ वन एंड ओनली वन एलिमेंट से वो रिलेट करेंगे। तो हम ये भी जानते हैं कि जब हम फंक्शन ऐसे लिखते हैं ना, फंक्शन एफ ए टू बी, तो इसमें लाई करने वाला जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम एक्स बोलते हैं, और इसमें लाई करने वाले जो भी एलिमेंट हैं उनको हम वाई बोल देते हैं। तो एक्स और वाई इस तरीके से होता है। उसके बाद हमने जब भी कभी हम डोमेन निकालते हैं तो डोमेन कहाँ से निकलता है, यहीं से तो निकलता है। यहाँ के कौन कौन से एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट्स के साथ में रिलेटेड हैं, तो उसी को तो हम डोमेन बोलते हैं। एक्स की जो वैल्यूज होती हैं, इसी तरह से जो वाई की वैल्यूज होती हैं उनको हम रेंज बोल देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा सेट होता है भी, इसको मैं कोडोमेन बोल देता हूँ। ये सभी को याद है, रिकॉल करवा रहा था, बताइए यस सर। ये सभी को याद है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन क्या इसी तरह के आएंगे कि मुझे हर क्वेश्चन में ऐसे एरो डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि कई बार क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और एक दे रखा है जी एक्स। वो बोल रहे हैं फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस, ये वाला फंक्शन एफ एक्स और ये वाला फंक्शन जी एक्स, ये इक्वल होगा। तो डोमेन पूछ रहे हैं, डोमेन का मतलब क्या है कि वो एक्स की वैल्यूज पूछ रहे हैं। एक्स की किन किन वैल्यूज, डोमेन क्या होता है, यहाँ वाली सारी वैल्यूज और यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को तो हम एक्स बोलते हैं। तो वो एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो इक्वल का मतलब क्या है, फंक्शंस को इक्वल रख दीजिए। पुट बोथ द फंक्शंस इक्वल टू ईच अदर तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अब एफ एक्स कितना है, 2x² - 1, और जी एक्स कितना है, 1 - 3x। अब आप सब कुछ इधर ले आओ, ठीक है, x की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो 2x² - 3x इधर आकर हो जाएगा प्लस का 3x, ये -1, प्लस 1 इधर आकर कितना हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x² + 3x, और -1 - 1 कितना होता है, -2 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए जो ये x² का कोफिशियंट है ये क्या है, 2, ये इस -2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, -4। तो ये ऐसे हो जाएगा 2 * -2 इज इक्वल टू -4। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग इस तरह से करनी है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो +3 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लीकेशन -4 के बराबर आ जाए। तो 2x² + 4x - 1x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 4x - 1x करूंगा तो प्लस का 3x आ जाएगा, और 4 * -1 करूंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये 2x² और 4x में से हम 2x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, x +2, इन दोनों में से -1 ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा,
एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, फिर एक्स प्लस टू इधर भी है, एक्स प्लस टू इधर भी है, कॉमन लो तो एक्स प्लस टू, और इधर क्या बचा, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम कहेंगे आइदर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जब एक्स प्लस टू जीरो के इक्वल है तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू माइनस टू, जब एक्स प्लस टू जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू माइनस टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू सेमी कॉलन, जब टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का वन बाई टू। देयरफॉर डोमेन फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, डोमेन ऐसा डोमेन जिसकी जिसके लिए जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है और जो दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, वो डोमेन क्या होगा, बस दो ही वैल्यूज होंगी बेटा उसमें, माइनस टू कॉमा वन बाई टू। सबको समझ में आ गया एक ना, जैसे हमसे डोमेन पूछा भी जाता था तो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते थे उसको मैं कॉमा 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 करके लगाकर लिख देता था। तो यहाँ पर दो ही वैल्यूज आ रही हैं तो ये दो ही हमारे डोमेन है। बताइए समझ में आया कि नहीं। यस ठीक है चलिए, तो आगे चलता हूँ फिर, मैं नेक्स्ट देखता हूँ। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में से पेपर बने। क्योंकि क्या है कि जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें कोई नई टाइप के क्वेश्चन नहीं है, रिलेशन फंक्शन में नई टाइप्स के क्वेश्चन काफ़ी हैं। और जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में ना आप देखेंगे डोमेन के दो क्वेश्चन दे रखे हैं, बस ऐसी रेंज के दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन है कुल मिलाकर, उसी में दो पार्ट्स दे रखे हैं डोमेन के, और ऐसी रेंज का है अगला क्वेश्चन, उसमें दो पार्ट्स रेंज के दे रखे हैं। तो वहां से प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाता कि रिलेशन और फंक्शन में अलग अलग तरीके के कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें। और देखिएगा एक क्वेश्चन और नोट करें, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शंस। अभी इसमें फर्स्ट पार्ट फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग। आप ये कहेंगे जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन की, तो क्वेश्चन नंबर वन में कहीं पर कुछ ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब क्या है कि वो वैल्यूज जो है वो इंटीजर वाली वैल्यूज होनी चाहिए, उनको इंटीग्रल वैल्यूज बोल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कहीं पर कुछ ऐसा देखा आपने लिखा हुआ कि रियल वैल्यूड फंक्शंस, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे दे ही नहीं रखा था कि मेरा जो एक्स है वो वैल्यू कहाँ से लेगा, एक्स रियल नंबर वाली वैल्यूज लेगा, एक्स नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज लेगा, और एक्स क्या है, एक्स वो है जो डोमेन के अंदर के सारे एलिमेंट्स, उसको हम एक्स बोल देते हैं, डोमेन के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्स बोलते हैं। फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस, यानी कि ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो जब रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेंगे तो फिर डोमेन को सीधा सीधा रियल नंबर बोल दो। हम कहेंगे नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये सभी के सभी जो फंक्शंस हैं इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले, उन सभी के लिए आपको कोई ना कोई इमेज मिल जाए। तो हम ये कहते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात करेंगे तो
हमें ये देखना है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बनती है, फंक्शन जब आपको ऐसा दे रखा होता है ना, रैशनल वाला फंक्शन, तो आपको बस एक चीज पर फोकस करके चलना होता है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है, मेरा डिनोमिनेटर किसी भी तरह से जीरो के बराबर ना हो जाए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही जीरो के बराबर हो गया तो हमारा पूरा फंक्शन ही इरेशनल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताइए। सर, आप ये वाला प्लीज रिपीट कर मैं दो। दोबारा बताता हूँ, उन्होंने बोला है रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो रियल वैल्यूज में क्या क्या वैल्यू आ गई? रियल वैल्यू में तो सब कुछ ही आ गया ना, आपका इंटीजर, रैशनल नंबर, नेगेटिव नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबर, सब कुछ आ गया रियल नंबर में। रियल नंबर में आपका रैशनल और इरेशनल सारे नंबर आ गए, सब कुछ हो गया। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमें ये दे रखा होता है रियल वैल्यूड फंक्शंस, तो हम ये देखते हैं कि मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करे। ऐसा ना हो कि मेरा फंक्शन ही एग्जिस्ट ना करे। अच्छा, फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो फंक्शन एग्जिस्ट करने के दो फंडे होते हैं, बस दो फंडे आपके जो सिलेबस में है वो दो फंडे हैं। क्या? एक तो आपको ऐसा फंक्शन दे रखा होगा जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एक तो ये चीज। और दूसरा दूसरा होता है बेटा अंडर रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला, कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर ना आ जाए। आप कहोगे नहीं जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हमने देख लिया। तो आप ये कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर नंबर आना चाहिए। यहाँ पर क्या, यहाँ तो कोई एक्सप्रेशन आता है, तो नेगेटिव नंबर ना आए अंडर रूट के अंदर, बस ये फंडा ध्यान रखना है। ठीक, तो पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन कब तक एग्जिस्ट करेगा? ये तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक मेरा डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो जाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड, मैं उसको बता ही नहीं सकता कि ये फंक्शन है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इतना समझ में आ गया मेरी बात? इतनी समझ में आ गई? सर, डस दैट मीन कि ये जो हमारा फंक्शन होगा ये रैशनल होगा? ये फंक्शन तो रैशनल है। हाँ, ये फंक्शन तो रैशनल है, क्योंकि अगर हम रैशनल के लिए ही बात करेंगे, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो तो फंक्शन ही हमारा इरेशनल हो गया। समझ गए? यस सर। मुझे क्या करना है, मेरा जो डिनोमिनेटर है बस वो जीरो के बराबर ना हो। हम ये लिखेंगे फॉर fx टू एग्जिस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसके ना मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1x+2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी तो बहुत देखी है जिसमें इक्वल टू जीरो करना है, अब नॉट इक्वल टू जीरो करना है यहाँ पर। तो 2x+1x हो गया 3x, और 2 वन 2, एलसीएम वो सॉरी कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लिया इधर, x+2 इधर, 1 कॉमन ले लिया इधर, x+2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इधर भी x+2 है, इधर भी x+2 है, x+2 निकाल लिया कॉमन, इधर क्या बचा x, और इधर क्या बचा +1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट x+2 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x+1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, वही जैसे इक्वल टू जीरो करते थे ऐसे नॉट इक्वल टू करना है। तो ये हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू -2, कुछ भी हो जाए x बस -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और x इज नॉट इक्वल टू -1, कुछ भी हो जाए x -1 के इक्वल ना हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हम कहीं पर गलत हैं तो वेरीफाई करने के लिए देख भी लो, x की वैल्यू अगर -2 डाली इस एक्सप्रेशन में, तो देखो -2 का स्क्वायर 4+4 होता है, 3 × -2 हो जाएगा -6, तो 4+2 प्लस का 6 -6, +6 -6 जीरो हो गया। डिनोमिनेटर आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, वो होना नहीं चाहिए। तो जब इन्होंने बोला कि फॉर ऑल द रियल वैल्यूड फंक्शंस आपको डोमेन बताना है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? अभी देखिए लिखने का तरीका है, देयर फोर डोमेन ऑफ fx इज, ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस -2 कॉमा -1। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये x कोई भी वैल्यू ले ले, कोई भी रियल वैल्यू ले ले, -2 ना ले और -1 ना ले, इसलिए उसको रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया।
समझ गए कि नहीं? सभी को समझ में आ गया कि सर। भाई? बाकी बच्चे भी बताइए, सबको क्लियर है इतना? अंश, लक्ष्य, हव्या, यस सर। देवशी, हर्षित, विदुषी, रोहन, सर। सभी को क्लियर है? चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर, ठीक है? तो जब भी कभी ऐसा आए तो आपको क्या करना है, बस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू या सेकंड पार्ट जो है थोड़ा सा अलग है, कहो तो करवाऊं। एक काम करते हैं, इसको इसके बाद सेकंड पार्ट आपको कराता हूं अभी, ठीक है? पहले थर्ड पार्ट करिए इसका। सेकंड पार्ट के लिए मुझे एक अलग फंक्शन आपको बताना है। एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने आपको बताया था क्या ये कैसे होता है? नो नहीं बताया ना? ठीक है, ये बिल्कुल अलग टाइप का फंक्शन है। मैं अभी इसको सेकंड पार्ट वो अभी होल्ड पर डालता हूँ, पहले बाकी पार्ट कराता हूँ, फिर कराऊंगा सेकंड भी। थर्ड पर आइए, पहले थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट दे रखा है एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, ठीक है? मुझे दो चीजों का बड़ा खास ध्यान रखना है यहां पर। पहली चीज, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है ये जीरो ना हो। पहली चीज तो ये कि मेरा डिनोमिनेटर जीरो ना हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म ना बन पाए। अंडर रूट के अंदर जो बने वो पॉजिटिव ही बने, नेगेटिव ना बने, ठीक है? ये चीज देखनी है। देखो कैसे होता है, इसको कैसे करेंगे हम। ये देखेंगे, यहां लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू एग्जिस्ट, फॉर एफ एक्स टू एग्जिस्ट अंडर रूट के अंदर वाली टर्म जो है एक्स माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी ना हो। हम ये कहेंगे कि भाई अंडर रूट के अंदर जीरो तो एग्जिस्ट करता है ना? तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा जा सकता है। अंडर रूट के अंदर वाली टर्म जीरो के इक्वल हो सकती है, लेकिन वो जो अंडर रूट है वो कहाँ रखा हुआ है? वो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो मैं बोलूंगा कि ये अंडर रूट के अंदर वाली टर्म सिर्फ जीरो से बड़ी हो, इक्वल ना हो। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? आप बताइए। अरे Yes, बाकी बच्चे बताओ भाई, भव्या, देवशी, हर्षित, तुम सब लोग चुप बैठे हुए हो, yes, समझ गए हैं? चलिए अब आगे देखो, एक्स माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद मैं ये कहूंगा इस मॉड एक्स को किस तरह से डिफाइन करूं। इस मॉड एक्स को, मॉड एक्स को डिफाइन करने का ये तरीका है, वी नो दैट वी नो दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब आप ये देखिएगा, मैं ऐसा करूंगा कि एक्स माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां तक करा था हमने। इट इंप्लाइज दैट एक्स माइनस माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स
greater than 0 if x is less than 0. मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मैंने मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया. अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स की जगह मैं माइनस एक्स ही तो रखूंगा. यहां तक समझ गए कि नहीं? ठीक है, और ये एक्स है माइनस, और फिर मॉड एक्स की जगह मैं प्लस एक्स ही रखूंगा. ग्रेटर देन जीरो सेमी कॉलन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब आप ये देखिए, ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि x माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो थोड़ी, ये तो कट गया, ये तो आपका इक्वल टू जीरो आ गया, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता. तो कंडीशन ये बची. इट इम्प्लाइज दैट, यहां से ये चीज समझ में आती है कि हमने x और माइनस माइनस x क्या हो गया, x प्लस x. सर ये जो x माइनस x है आप इसको फिर 16 कर दो. ये x माइनस x वाला? हमने क्या करा कि ये जो मॉड x है, मैं मॉड x को ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकता. पहले मैं मॉड x की डेफिनेशन देखूंगा. मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमने मॉड x की डेफिनेशन वहां पर करी थी लीनियर इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में. अगर नहीं करी है किसी बच्चे ने या भूल गए हैं तो मैं एक बार लिख देता हूं दोबारा. मॉड एक्स यानी कि हमारा मॉडुलस फंक्शन, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो और प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये होता है. ये बताइए, ये बताइए, ये याद है कि नहीं मॉड एक्स की डेफिनेशन? यस सर. ठीक है, तो अब मैं मॉड एक्स को डिफाइन कर रहा हूं. कैसे? सबसे पहले हमने ये देखा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर है ना, अंडर रूट के अंदर है तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. पहली चीज तो ये कि अंडर रूट के अंदर वाला टर्म है तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. उसके बाद हम ये कहते हैं कि उसके बाद हम ये कहते हैं कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब ये जो x माइनस मॉड x है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू जीरो होगा तो अंडर रूट जीरो यानी कि जीरो, तो वो डिनोमिनेटर में जीरो है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो मैं ये कहूंगा कि हमने कहा कि x माइनस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन जीरो. पहली चीज तो ये हो गई. उसके बाद हम ये कहते हैं कि मॉड x इज इक्वल टू ये माइनस x, ये मॉड x की डेफिनेशन है. फिर मैंने कहा कि अब मैं इसमें इस डेफिनेशन को यूज करूंगा. तो दो कंडीशंस हैं, इफ x इज लेस देन जीरो तो मैंने क्या करा, मॉड x की जगह माइनस x रख दिया. ठीक है, मैंने मॉड x की जगह माइनस x रख दिया इफ x इज लेस देन जीरो. अच्छा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो x माइनस मॉड x की जगह फिर मैं प्लस x रखूंगा. समझ गए? यस सर. तो यहां पर मैंने क्रॉस इस वजह से लगाया है क्योंकि x माइनस x तो जीरो हो जाएगा एंड जीरो इज ग्रेटर देन जीरो. ना, ये नहीं, मेरे को जीरो नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में जीरो होती है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, इस वजह से हमारी सेकंड कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगी. यहां आ गया x प्लस x इज ग्रेटर देन जीरो इफ x इज लेस देन जीरो. ठीक है, तो x प्लस x कितना हो गया, 2x इज ग्रेटर देन जीरो If x is less than zero, ठीक है. अच्छा, अब 2x is greater than zero, ये जो x है ये यहां डिवाइड, ये जो 2 है कॉन्स्टेंट ये यहां डिवाइड में चला जाएगा. तो मैं ये कहूंगा अगले स्टेप में कि x is greater than 0 if x is less than 0. ये स्टेटमेंट कुछ अटपटी नहीं लग रही आपको? बताइए. यस सर. ये स्टेटमेंट कुछ अटपटी लग रही है ना. सीधी सीधी बात है कि
एक्स ग्रेटर देन जीरो इफ एक्स इज लेस देन जीरो, अगर एक्स जीरो से छोटा है तो एक्स जीरो से बड़ा है तो गलत है। तो आप यहां पर कह दीजिए दिस इज एब्शर्ड, ABSURD। एब्शर्ड का मतलब होता है बेटा बकवास, कि ये बकवास है, समझ गए। अब इस बकवास का मतलब क्या है, इस बकवास का मतलब ये है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। आप यहां लिखें देयरफॉर FX डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज इट डज नॉट हैव एनी डोमेन। और जब कोई फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर इसका डोमेन क्या होगा, कुछ भी नहीं। इट डज नॉट हैव एनी डोमेन, समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन, यस ठीक है ना। तो ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और इसी इन्हीं क्वेश्चंस को देखकर बच्चे थोड़े डरते भी हैं रिलेशन फंक्शन से। और देखिएगा, तो मेरी कोशिश है कि मैं इस टाइप के ज्यादातर आपको हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा, अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, क्योंकि ये चीज आ रही होगी मन में सबके कि काश अगर बीच में प्लस होता तो बात बन जाती। देखते हैं अभी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस मॉड एक्स और इसका अंडर रूट। जरा इसका डोमेन कुछ बताओ क्या है, अभी बताते हैं हम, फिर वही बोलेंगे फॉर एफ एक्स टू एग्जिस्ट और एफ एक्स टू एग्जिस्ट एक्स प्लस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब फिर मैं मॉड एक्स की डेफिनेशन लगाऊंगा यहाँ, इट इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, भाई अगर एक्स जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स की जगह मैं माइनस एक्स लिख दूंगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स, ठीक। एंड या कहो बल्कि और एक्स प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, चलिए करेक्ट ये हो गया। मैंने एक चीज ना गलत लिख दिया, बस मैंने एक चीज लिखनी भूल गया कि ग्रेटर देन जीरो था ना यहाँ पर, एक्स प्लस और मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया ग्रेटर देन जीरो, मतलब यही स्टेटमेंट, यही इनइक्वालिटी दोबारा लिखी है, यही इनइक्वेशन इफ एक्स इज लेस देन जीरो। जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो मॉड एक्स की जगह मैं माइनस एक्स लिख दूंगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो मॉड एक्स की जगह हम प्लस का एक्स लिख देते हैं, तो एक्स प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये इन इक्वेशन को भी दोबारा लिखा है, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए यस भाई ठीक है, चलो अब ये करने के बाद में अब आप देखिए कि ये ऊपर वाला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स एक दूसरे को काट देंगे, तो जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो इसलिए पहले वाला को तो छोड़ दो। अगला आता है एक्स प्लस एक्स टू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अब इस टू को इधर ले जाओ तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये चीज समझ में आती है, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आता है, ये भी बोल रहा है कि एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये भी बोल रहा है कि एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स अगर जीरो से बड़ा ले लेते हैं हम, जीरो तो नहीं लेंगे ना क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो बना देगा, ठीक है। तो हमारा 1 अपॉन 0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हमारा एक्स अगर हम जीरो से बड़ा लेते हैं तो फिर फंक्शन की वैल्यू सारी की सारी एग्जिस्ट करेंगी। तो हम ये कहेंगे एफ एक्स एग्जिस्ट देयर फॉर एफ एक्स एक्स की सारी ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा, यानी कि
एफ एक्स जो है वो एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज, ग्रेटर देन जीरो को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। देयरफॉर एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल, एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू, इसको कैपिटल आर लिख कर ना ऊपर एक प्लस का साइन बना देते हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये उसका डोमेन हो गया। समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर। चलिए जी, ठीक है, अगला देखता हूँ क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। फोर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। भाई ये वाला जो अंडर रूट है इसके अंदर भी नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये वाला जो अंडर रूट है इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी ना आए और जीरो भी ना आ जाए। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, फॉर एफ एक्स टू एग्जिस्ट फोर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो आ जाए चलेगा, कोई बात नहीं, न्यूमरेटर में है ना, ये तो चलेगा। एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बस ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेस देन जीरो ना हो और जीरो के बराबर भी ना हो। जीरो के बराबर आ गया तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, और लेस देन जीरो आ गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म बन जाएगी। ठीक, तो अब इसको एक्सक्यूज देखें। मी हाँ सर, जी बताइए। सिर्फ 4 माइनस x के कंडीशन क्यों ले रहे हैं? वो तो न्यूमरेटर है ना। हाँ वो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में जो अंडर रूट वाला टर्म है ना, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जीरो हो चलेगा, जीरो से बड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन जीरो से छोटा हो तो नहीं चलेगा। समझ गए? तो क्यों? नहीं, अगर मान लीजिए ये जीरो से छोटा हो गया अंडर रूट के अंदर वाला, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड टर्म को किसी भी टर्म में ऐड कर देते हैं तो वो उसको भी नॉट डिफाइंड बना देता है। ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो सब कुछ नॉन डिफाइंड बना देता है। ओके सर, ठीक है, अब देखिएगा, फोर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो माइनस एक्स को इधर ही छोड़ो, फोर को इधर ले जाओ। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस वन को उधर ले जाओ, तो ये हो गया प्लस वन। अच्छा ऐसे करवाऊँ आपको? नहीं, इसको ऐसे मत करो, ऐसे आप कंफ्यूज होंगे। इसको ये थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का हम ऐसे करेंगे, ये हो गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ माइनस से माइनस काटने की भूल मत करना, इनइक्वालिटी है, थ्रू आउट साइन चेंज करना होता है। माइनस एक्स का हो गया प्लस एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो गया लेस देन इक्वल टू, और माइनस फोर का हो गया प्लस फोर, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस का फोर। ठीक है, फिर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब दो टर्म मल्टीप्लाई होकर जीरो से बड़ी कब बनती हैं? दोबारा ध्यान से सुनना, दो टर्म मल्टीप्लाई होकर जीरो से बड़ी कब बनती हैं, यानी कि पॉजिटिव कब बनती हैं, जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, या उल्टा कि ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो। ठीक है ना भाई, दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर, तो यहां तो एक कंडीशन तो ये आ गई कि एक्स हमारा चार या चार से छोटा छोटा होना चाहिए। अब उनको देखते हैं, एंड एंड समझ जाना कि ये भी सेटिस्फाई करे और इधर से जो रिजल्ट आए वो भी सेटिस्फाई करे।
हैंड का मतलब ये है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखते हैं x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। x प्लस वन भी या तो पॉजिटिव हो और x माइनस वन भी पॉजिटिव हो, और x प्लस वन भी नेगेटिव हो एंड x माइनस वन भी नेगेटिव हो, ठीक है। इधर लिखिए x इज लेस देन इक्वल टू फोर, इसको तो लेकर चलूंगा साथ साथ। एंड अब इसको भी देखते हैं, प्लस वन को उधर ले जाओ तो x इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड x इज ग्रेटर देन प्लस वन, और x इज लेस देन माइनस वन एंड x इज लेस देन प्लस वन। एक कंडीशन तो ये कहती है कि x माइनस वन से भी बड़ा हो, माइनस वन से बड़ा हो और वन से बड़ा हो, एक कंडीशन तो ये कहती है। और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि x वन से भी छोटा हो और माइनस वन से भी छोटा हो, ठीक है, और दोनों के बीच में और है, और का मतलब आइदर दिस और दैट, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इसकी नंबर लाइन बनाऊंगा, ये मिटा रहा हूं इधर से, मैं ऊपर वाले की भी नंबर लाइन बनाऊंगा, नीचे वाले की भी बनाऊंगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर, और अगर आपको बिना नंबर लाइन के समझ में आ जाए तो बताना मुझे। मैं एक बार बिना नंबर लाइन के बताता हूं कि एक्स माइनस वन से बड़ा बड़ा हो और एक्स वन से बड़ा बड़ा हो तो दोनों को सेटिस्फाई करे वो कौन सी चीज होगी, जो वन से बड़ा हो। जो वन से बड़ा हो। बिल्कुल सही। तो यहां पर मैंने माइनस वन ले लिया, यहां पर मैंने वन ले लिया, ये कहता है कि एक्स माइनस वन से बड़ा हो, है ना, कितना बड़ा, कितना भी बड़ा, और ये कहता है कि एक्स वन से बड़ा हो, तो कितना बड़ा, कितना भी बड़ा। तो अगर मैं कहूँ कि मैं वन से बड़ा बड़ा वाला ले लेता हूं तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों का रिजल्ट तो आता है एक्स ग्रेटर देन वन। मैं यहां लिख रहा हूं एक्स ग्रेटर देन वन, बेटा समझ में आ गया है, बाकी बच्चे बताइए, यस सर। ठीक है सर देवशी। यहाँ पे जो सर्कल है वन पे वो तो फिल नहीं होगा ना। हाँ वो फिल नहीं होगा, वो फिल नहीं होगा, ठीक है। बताइए बेटा, लक्ष्य, यस सर। विदुषी, देवशी, भव्या, अंश, यस सर। यस समझ सर। आया। चलिए जी, तो ये इस पहले वाले कंडीशन का रिजल्ट आया। फिर दूसरा, एक्स माइनस वन से छोटा हो और वन से भी छोटा हो, तो इसमें माइनस वन से छोटा छोटा वाला ये करेगा सबको सेटिस्फाई, क्योंकि जो माइनस वन से छोटा है वो वन से तो छोटा होगा ही होगा, समझ गए। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि और एक्स इज लेस देन माइनस वन, और इन दोनों के बीच में लग रहा है एंड, बताओ समझ गए कि नहीं। अरे समझे कि नहीं, बताओ। यस ठीक है, सर। तो अब जब एंड लग रहा है दोनों के बीच में तो मैं क्या करूं, ऐसे करते हैं दोनों के बीच में एंड, तो यहां बनाओ माइनस वन, यहां बनाओ प्लस वन, और यहां बनाओ प्लस का फोर, इधर बना दो इन्फिनिटी। तो देखिए पहली कंडीशन अगर इनका देखा जाए कि वो बोल रहे हैं कि वन से बड़ा हो या माइनस वन से छोटा हो, ठीक है, तो दोनों चीजों को वो सेटिस्फाई कर दे, और ये कह रहे हैं कि फोर के बराबर हो या उसके इक्वल हो चलेगा। तो अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, यहां से तो ये आता है कि फोर से छोटा छोटा, कितना छोटा भैया, कितना भी छोटा, कहीं तक भी ले जाओ, माइनस इन्फिनिटी तक ले जाओ, और इसमें हमारा फोर भी शामिल है। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो इनका कॉम्बिनेशन ये कहता है कि भाई माइनस वन से वन के बीच वाला छोड़ दो बस,
वन से बड़ा बड़ा और इधर फोर से छोटा छोटा, तो 1 to 4 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, -1 से छोटा छोटा। तो मैं ये कहूंगा डोमेन क्या हो गया यहाँ पर, एक्स बिलोंगिंग टू, एक तो -1 से छोटा छोटा जब कंबाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कॉमन देखते हैं ना, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, यस सर। कॉमन देखते हैं ना एंड में, तो एंड में कॉमन देखते हैं, तो -1 से छोटा छोटा, तो -∞ कॉमा -1, और दोनों जगह स्मॉल ब्रैकेट आएगा, एक तो ये, या फिर या है तो मतलब यूनियन, या फिर 1 से बड़ा बड़ा, लेकिन ये बोलता है 4 से छोटा छोटा, तो 1 से 4 के बीच बीच, जिसमें 1 तो शामिल नहीं होगा तो स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन 4 शामिल हो सकता है तो उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गया डोमेन, बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक यस सर, है, तो बेटा आज के लिए इतना ही करिए आप, बाकी मैं आपको कल करवाता हूँ, आगे का भी करवाता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं ये, लगभग 10-12 के करीब क्वेश्चंस हैं, ये करते ही आपका रिलेशन फंक्शन बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, ठीक है। सर आप प्लीज पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप पर। हाँ मैं बिल्कुल भेज दूंगा, और उसमें जितने आपसे हो सके, बहुत अच्छी बात है, कर लेना, ठीक है। ओके सर, चलिए जी फिर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके।